सो हेलो एवरी वन आई होप यू आल आर डूइंग वेल आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो टेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो पूछे जाते हैं आई टीज़ में इंटरव्यू के लिए नॉर्मली अगर बात करने आओ तो नॉर्मल आपको सबसे पहले सब्जेक्ट पूछ लिया जाता है या किस सब्जेक्ट में किस स्पेसिफिकेशन में आप एम टेक करने के लिए ट्राई कर रहे हो राइट right ना बट जो अगर आप जैसे थर्मल या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ये सब सब्जेक्ट अगर आप बताते हो अपने फेवरेट सब्जेक्ट तो उनसे कौन से टेन फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन है जो नॉर्मली पूछे या फिर आप ये कह सकते हो जहाँ वो कौन से बेसिक क्वेश्चन है जहाँ से आपका इंटरव्यू शायद स्टार्ट होता है ठीक है आफ्टर दैट वो सारे क्वेश्चन और ज़्यादा डिटेल में जा सकते हैं तो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टेन क्वेश्चन फॉर ऑल द मैकेनिकल इंजीनियर होप ये शायद आगे जाके आपको बहुत हेल्प करेंगे चलिए तो टेन फ्रीकुंट आज क्वेश्चन इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर द एम टेक इन आई टी मैकेनिकल के लिए ठीक है एंड अगेन यहाँ पे अभी कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है यहाँ पे जो हम बात करने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ब्रांच की बात कर रहे हैं ओके सिर्फ और सिर्फ सारे सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कुछ भी पूछा जा सकता है सो ये बेसिक क्वेश्चन है जैसे अगर आप फेवरेट की बात करने तो थर्मल में अगर बेसिक पॉइंट पर बात करते हो स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल में बात करते हो एच में कौन से बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट हो सकते हैं या फिर इसी तरह से एफ uh, के क्वेश्चन जो फ्रिक्वेंटली आते हैं इस थर्मल का नॉर्मली मतलब सबसे कॉमन क्वेश्चन ये है जो पूछा जाता है फिर यहां से बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं कि वॉट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक और यहां से आप एक और इसको डिटेल में ले जाना चाहो तो कह सकते हो कि फॉर अ साइकिल और फॉर अ फॉर अ प्रोसेस या फॉर अ क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम राइट ना तो इसको नॉर्मली जैसे व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिकॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक अगर आप थर्मल सब्जेक्ट बताते हो तो सिंपल अगर साइकिल के लिए डिफाइन करना हो तो वी कैन से लाइक दिस कि फॉर अ कंप्लीट साइकिल और फॉर अ क्लोज सिस्टम अंडर गोइंग अ साइकिल द टोटल समेत ऑफ द हीट मस्ट बी डायरेक्टली फिर आपको कह सकते हो कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ वर्क जैसे आप सिंपल लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू फर्स थर्मोडाइनमिक फॉर अ क्लोज साइकिल फॉर अ क्लोज साइकिल system sorry for a closed system closed system undergoing a cycle undergoing a cycle a cycle i'll write that cyclic integral of del q is directly put proportional sign it will be removed that value will be equal to डेल डब्ल्यू और वैन यू विल रिमूव दिस वैल्यून आई राइट दाइक्ल ऑफ डेल क्यू विल बी इक्वल टू साइक् इंटीग्रल ऑफ डेल डब्ल्यू वेन द वैल्यू ऑफ जे इज वन अगर यूनिट दोनों की सेम हो तो ठीक है ओके, सो इन दिस केस अब इसके आगे बहुत सारे क्वेश्चन स्टार्ट हो सकते हैं कि अगर ये साइकिल के लिए है तो फिर प्रोसेस के लिए क्या होगा टोटल ही ट्रांसफर इज इक्वल टू टोटल वर्क ट्रांसफर क्या इसका सिंपल मीनिंग ये हो गया कि एफिसिय हंड्रेड है तो अगेन और डिटेल में जा सकती हैं चीजें आप कहोगे नहीं वहां पर टोटल तो वर्क ट्रांसफर का मतलब है नेट वर्क आउटपुट लेकिन टोटल हीट ट्रांसफर का मतलब है व्हाट इज एडिंग टू सिस्टम व्हाट इज रिजेक्टिंग टू सिस्टम या फिर आप यहां पे कहोगे कि सर एफिशिएंसी का सिंपल मीनिंग होता है टोटल वर्क ट्रांसफर दैट इज साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ क्यू टोटल वर्क ट्रांसफर डिवाइडेड बाई हीट सप्लाई ना कि नेट हीट ट्रांसफर राइट right, ना तो ये आपका पहला क्वेश्चन है आफ्टर दैट इसको और भी आगे ले जाया जा सकता है व्हाट इज द वर्क डन फॉर अ क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग अ साइकिल व्हाट इज द वर्क डन फॉर फॉर अ क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग सॉरी साइकिल हम डिफाइन कर चुके हैं प्रोसेस के लिए क्या होगा क्या ये रिवर्सिबल के लिए है इरिवर्सिबल के लिए है क्या ये इरिवर्सिबल के लिए वैलिड होगी क्या दोनों के लिए वैलिड होगी तो ये पहला क्वेश्चन है और भी थोड़ा डिटेल में हम इसको आगे ले जा सकते हैं ठीक है ओके लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन यस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्रॉ द टीएस डायग्राम ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल जो आर का बहुत फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है आपका इंटरव्यू का क्योंकि यहाँ पे हम एक नॉर्मली मिस्टेक कर देते हैं इनफैक्ट ये इसरो तो का भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है एक यहाँ पे हम मिस्टेक करते हैं जब टी डायग्राम बनाते हैं सॉरी जब हम यहाँ पे टी डायग्राम बनाने आते हैं लाइक दिस लाइक दिस

राइट right, ना पूरी तरह से अगर यहाँ पे डॉटेड नहीं बनाओगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बस यहीं पे पूछा जाएगा क्या ये पूरा डायग्राम सही है या फिर अगर आपने डॉटेड बनाया तो ये इसका क्या मतलब है कि आपने डॉट बनाया यू आर यूजिंग द थ्रोटलिंग प्रोसेस एंड इन द थ्रोटलिंग प्रोसेस दिस प्रोसेस इज हाइली इ रिवर्सिबल प्रोसेस और आपको ऑलरेडी बेसिक थर्मोडाइनमी हम डिस्कस करके आ गए हैं कि आ, जो थ्रोटलिंग uh, प्रोसेस होता है एंड मैक्सिमम uh, इसके बाद इसी क्वेश्चन को और भी आ, आगे ले जाया जा सकता है जैसे यहां पे अगर आप कह रहे हो कि थ्रोटलिंग यूज कर रहे हैं देन व्हाई वी आर यूजिंग द्रोटलिंग प्रोसेस इन बीसीआर सिस्टम इवन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ऐसा नहीं होता था वी आर नॉट यूजिंग थ्रोटलिंग डिवाइस इन एयर रेफ्रीजन और भी डिटेल में ले जा सकता है, है? या फिर आप कहोगे जीरो हैल गैस और प्योर सब्सटेंस में नहीं है दैट इज द रीजन वी आर यूजिंग थ्रोटलिंग डिवाइस तो यह सारे क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कस करतेफरेंस बिटवीन जो अगर आप सोम या फिर इंजीनियरिंग uh, मैकेनिक्स का सब्जेक्ट बताते हो तो डेफिनेटली आपको एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है मतलब कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स सो वेन अ बॉडी इज रोटेटिंग इन अ सर्कुलर वे वेन अ बॉडी इज रोटेटिंग इन अ सर्कुलर वे राइट देन देयर इज वन रेडियल एक्सलेशन इन द इनवर्ट डायरेक्शन एट एनी पॉइंट एट एनी पॉइंट एट एनी पॉइंट like this okay radial acceleration that is ai right or if i will write the value of this radial inward acceleration the value is very common to us that is omega square r so in this case when body is rotating when body is rotating in radial direction then due to the change of <coughs> direction and magnitude or any of these these two value There will be a uh, or या इसमें होगा क्या आपका टेंजेंशियल एसेलेशन ड्यू टू चेंज ऑफ द डायरेक्शन चेंज ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दी यह दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं रेडियल uh, भी और आपका टेंजेंसियल भी टेंजेंशियल एसोलेशन दैट इज अल्फा आर ओके

rate of change of momentum is nothing but it is the accelerating force, right? So in this case, yes, unbalanced force and this one is known as centripetal acceleration. This is known as centripetal acceleration, centripetal acceleration, okay. So one thing is clear, uh, sorry, centripetal force, not uh, acceleration. This is the centrifugal, centripetal force, not acceleration, my dear, okay. फ्टर दैट यह आपका सेंट्रीपिटल एसे आ गया तो सिंपल अगर हम बात करने आए कि वट इज द वट इज द मीनिंग ऑफ द सेंट्रिपिटल एसेलेशन सो फ्रॉम हियर वी कैन डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स विच इज गोइंग टू प्रोड्यूस द एसलरेशन वैन बॉडी इज रोटेटिंग इन सर्कुलर वे राइट ओके Ray, uh, circular way and that value of the force is developing the radial acceleration into the inward direction now let's try to discuss what is the meaning of this centrifugal centrifugal uh, force already we have studied one more approach that is a dlm approach in which we say that anybody if it is rotating और इट इज इट इज मूविंग विद सम वैल्यू ऑफ द एसलेसन तो हर एक टाइम पे उस पे एक सूडो फोर्स या फिर इमेजनरी फोर्स लग रहा होगा एंड ड्यू टू दैट सूडो फोर्स द ड्यू टू दैट सूडो फोर्स विद एक्सटर्नली अप्लाइड लोड ऑलवेज बॉडी विल बी इन डायनेमिक इक्लेबरियम सो अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देयर इज ऑल्सो वन मोर फोर्स दैट इज That is the pseudo force, and if I will study the DLM word principle principle, right? So there is the pseudo force. So under this pseudo force, like this plus of total unbalanced force must be equal to 0. What is in balance condition? So in this case, the Fs will be equal to Minus of or I'll write yes, I will write from here because though opposite force a fu is acting in this direction, fs is acting in this direction, so this is fu or I'll write that is m a square m omega square r. So again, pseudo force or centrifugal force is m omega square r. सूडो फोर्स और इमेजनरी फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी विच इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी फोर्स एंड एक्चुअली अनबैलेंस फोर्स इन दोनों की वजह से रोटेट होती हुई बॉडी आपकी और आपकी आपकी डायनेमिक एक्लिवरियम में है। तो सिंपल कह सकता हूँ सेंट्रिप्यूटल सेंट्रिप्यूटल फोर्स इज नथिंग बट इट इज अन्वैलेंस फोर्स ड्यू टू विच ड्यू टू विच रेडियल एसोलरेशन इज डेवलपिंग ओके okay, क्योंकि अनबैलेंस फोर्स होगा तो उसके बाद रेडियल एसोलेशन आएगा एंड आफ्टर दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द दूडो फोर्स और इज इज इमेजिनरी फोर्स ड्यू टू विच वी कैन कंसीडर द वी वी कैन कैन कंसीडर की कंप्लीट बॉडी आपकी डायनेमिक डायनेमिक्लिब्रम में इजीली वी कैन अप्लाई द डीएलबर्ड प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर लेर्ड थर्ड क्वेश्चन क्या yes, है यस ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि ड्रॉ द एस एफ डी एंड बी एम डी अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल यहां पे अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताते हो तो डेफिनेटली कई बार आपको पूछ लेता है कि वॉट इज द

And at this particular point, load is apply of W and this is W by2, and this one is also WY2. After this, then <coughs> then what will be the SFD and BMD? Next question aap se pooch sakta hai. So after this, up to this, there is no force, after that, there is the inclined line, and this value will be equal to W L y 2, my dear. Okay. Now <coughs> नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन में भी सॉरी डायरेक्शन इसमें अपोजिट ले लिए हमने ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा अगर हम राइट ऑफ द सेक्शन को राइट ऑफ द सेक्शन को डाउनवर्ड फोर्स को पॉजिटिव मान के सॉल्व करते हैं पॉजिटिव मान के सॉल्व करते हैं तो ओके तो दिस इज डब्ल्यू एल टू पॉजिटिव दिस वन इज एस एफ डी माइडियर एंड आफ्टर दैट यू विल ट्राई टू ड्रॉ द बी एम डी देन अप टू दिस एंड दिस देयर इज नो फोर्स आफ्ट दैट दे वैल्यूंगल वैल्यूल टू डब्ल्यू एल वाई टू इन टू एल वाई फोर माइडियर और दिस वैल्यू विल बीवल टू डब्ल्यू एल स्क्ट बट अगेन ये आपका कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है अब यहां से ऐसे नए क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं कि सर वाई यू हैव ड्रॉन वाई यू हैव ड्रॉन दिस एज अ इंक्लाइंट लाइन ओनली और इसको आपने पैराबोला क्यों बनाया या पैराबोला ही बनाया तो इस टाइप का पैराबोला क्यों बनाया तो ये सारे कॉमन क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं है, माइडिया ठीक है ओके आफ्टर दैट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अगर आप वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट बताओगे तो यस yes, ये एक क्वेश्चन है आपका जो नॉर्मली अब पूछे जाने लगा है बहुत पहले तो इंटरव्यू में नहीं पूछते थे लेकिन सौ में डिजाइन सेक्शन में जा रहे हो आप तो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे आप उम्मीद कर सकते हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सी सेंटर क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसको रीड नहीं करते पढ़ते नहीं उस टाइम पे तो सर सिंपल मीनिंग ये है अगर यहाँ से आपको डिफाइन करना पड़ जाए कि सी सेंटर इज अ पॉइंट सेंटर इज द इज द पॉइंट

सी टाइप ऑफ चैनल की बात कर लो लाइक दिस जैसे इसके बाद यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता है लाइक like दिस कि सर अगर इसका ये पॉइंट अगर इसका सी जी यहां पर है दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो क्या इसका सी सेंटर यही होगा नहीं द दीयर सेंटर ऑफ दिस पॉइंट विल बी डेफिनेटली

सो लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे का क्वेश्चन यस व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द डीजल इंजन नॉर्मली वो चाहता है कि आप पहले फॉर्मूला लिखो उसको ठीक है तो जैसे ही अब यहां पे हम फॉर्मूला लिख के आते हैं लाइक दिस एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन इज वन माइनस आर रेस टू गामा माइनस वन रो रेस टू गामा माइनस वन

ने कहा डीजल देन अगेन वो फॉर्मूला लिखाएगा और सारा कोई न्योमेकल वैल्यू देगा एंड आपको बताएगा कि कैलकुलेट करो तो यहाँ पे आंसर आपका कंडीशनल होगा कि सर इट विल डिपेंड अपॉन द कंडीशन बहुत सारी कंडीशन क्योंकि अलग अलग वैल्यू पहला क्वेश्चन ये आ गया कि कंपेरिजन से पूछ सकता है सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि यहाँ पे जो रो आपने लिखा है वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस रो रो का मतलब क्या है रो इज कट ऑफ रेस यू वैल्यू ऑफ रो इज माई डियर कट ऑफ रेशियो एंड आफ्टर दैट जैसे आप कट ऑफ रेशियो बताओगे तो पूरी तरह से वो डिटेल में इसी पर डिस्कस करने लगेगा कि वाट आर द मीनिंग ऑफ कट ऑफ रेशियो आप कहोगे सर जहां पर फ्यूल सप्लाई आप कट ऑफ कर देते हो या फिर जहां पर हीट एडिशन को कट ऑफ कर देते हो तो यहाँ से फिर आगे के यहाँ से एक्सपेंसन स्टार्ट होता है तो मतलब कोई एक फिक्स पॉइंट है क्या

लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन यस थियरी ऑफ फेलियर का डिजाइन सेक्शन का ये बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन रहा है सिर्फ आई का नहीं पी का इवन मतलब इसरो का भी बड़ा फेवरेट क्वेश्चन रहा है कि थियरी ऑफ फेलियर आप यूज क्यों करते हो देखिए बहुत लेंथी डिस्कशन में आप बताने चले जाओ तो इसको बहुत टाइम लग जाता है एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल से आंसर में डिफाइन करने आओ सिंपल और शॉर्ट में तो सर सिंपल मीनिंग ये होता है कि हम यू पे जो टेस्ट करते हैं वो यूनिएक्सियल लोड होता है मतलब सिंपल है कि यूनिएक्सियल लोड में हम 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 स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं बट इन द रियल कंडीशन इट्स नॉट पॉसिबल लोड तो नहीं होता मतलब भी भी हो सकता है, भी हो सकता सकता है है या उसको और भी स्पेसिफिक सॉल्व करने आए तो हम प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बट प्रॉब्लम इज दिस प्रिंसिपल वैल्यू भी तीन प्लेन में आके मिलती है मतलब भाई सिग्मा 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 थ्री इफ आई एम टॉकिंग अबाउट थ्री अगर मैं थ्री की बात करने आ रहा हूं तो एग्जैक्टली सिग्मा वन और सिग्मा टू और सिग्मा थ्री की वैल्यू तीनों अलग अलग जगह पे

रिलेट दी बोथ द डिफरेंट ये अप्रोच है ठीक है तो उसके लिए फिर वही उसके आगे फिर और डिटेल में जा सकता है कि कौन कौन सी थ्योरी है कौन सी थ्योरी किसके लिए बेस्ट है कौन सी थ्योरी किस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए बेस्ट नहीं होगी तो ये आपको जरूर डिटेल में देखना पड़ेगा अदरवाइज होगा क्या मोर देन टू थ्री आर के इंटरव्यू टॉप टेन क्वेश्चन ही चले जाएंगे ठीक है तो ये सब क्वेश्चन स्टार्ट करने के आ, या फिर आपको आंसर आंसर देने के एक मैथड है ओके okay. यस yes. so let's discuss one more question exactly let's discuss one more question yes state the fourier law of conduction hmd ka question hai fourier law of conduction ko aapko batana hai simple jo aapne already padha hua hai isko apan sorry इसको yahan से सिंपल डिफाइन करने आए तो i can say that heat transfer per unit area is directly proportional to delta y del x और हीट ट्रांसफर विल बी इक्वल टू माइनस के ए डी टी ओवर डी एक्स सो अगेन बेसिक क्वेश्चन यही है कि हीट ट्रांसफर अकॉर्डिंग टू फूरियर लॉ हीट ट्रांसफर ऑफ कंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ओके सो बट नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहां से देयर आर द नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आगे और डिटेल में पूछे जा सकते हैं के तो ठीक है व्हाट आर द मीनिंग ऑफ के कंडक्टिविटी क्या है व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ के राइट आफ्टर दैट अगर के की वैल्यू क्योंकि अगर इसमें आपसे नेक्स्ट टाइम पूछे व्हाट इज द टेम्परेचर प्रोफाइल यहीं से स्टार्ट हो सकता है टेम्परेचर प्रोफाइल क्या होगा क्या यह फॉर्मूला किन्नी एजम्पन पे बना हुआ है अगर बना हुआ है तो वो कौन कौन सी एजम्पन है राइट right? तो आपको यहां से बेसिक जस्ट स्टार्ट करना है उसी के आसपास घूमते हुए बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे करेक्ट ओके सो यस लेट्स डिस्कस वन मोर क्वेश्चन फ्रूड मैकेनिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस क्वेश्चन रहा है आपका व्हाट आर द एजम्पन ऑफ वर्नोली थ्योरम वर्नोली थ्योरम की कौन कौन सी एजम्सन है तो नॉर्मली हम जो तीन एजम्सन पढ़ते हैं कि फ्लो मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस फ्लो और आपका स्टडी फ्लो होना चाहिए राइट ना ये आपकी मतलब ओवरऑल uh, या बहुत जो

और यस yes, यहां से कि यहां पे इनकंप्रेसिबल का मतलब क्या है और कंप्रेसिबल फ्लो क्या होगा ठीक है और कंप्रेसिबल फ्लो और कंप्रेसिबल फ्लूड में कोई डिफरेंस है क्या ये सारे क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आपसे पूछे जा सकते हैं एंड लेट मी डिस्कस वन मोर क्वेश्चन माय डियर फ्रॉम हियर ओके जब आप आई टी या किसी भी पी एस यू या एग्जाम देने जाते हो तो आपके पास कुछ ऑप्शन होते हैं कि आप वहां पर कुछ आंसर ऐसे दो जहां से उन स्टेटमेंट के अराउंड अगर आस पास कोई क्वेश्चन आए तो आप उन आंसर को तैयार रख सको जैसे आपको ऑलरेडी मैंने एक ये बीसीआर साइकिल का आइडिया दिया था तो तो में आपने ही ही खुद उसको dotted line बना दिया तो next question वहां से उठना ही है। ऐसा क्या है तो एग्जैक्टली exactly आंसर आप उस तरह से थोड़ा बहुत दे सकते हो कि नेक्स्ट क्वेश्चन वहां से आ जाए और इन सारे पॉइंट्स को याद रखो कि इंटरव्यू की जब बात करने आते हो तो ये सब चीजें उन्हीं पे डिपेंड करती हैं कितने टाइम तक आप सही डायरेक्शन में डिस्कशन करते हो कितने टाइम तक आप सही डायरेक्शन में डिस्कशन करते रहते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरव्यू के लिए सो दिस इज ऑल अबाउट द टेन इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन मोस्ट ऑफ द आई और कुछ पी एक दो क्वेश्चन इसरो और बार्क में भी इस तरह से पूछ जाते ओके सो okay? so, ये सारा सेशन था आई होप ये शायद आपका हेल्प करेगा ओके थैंक यू ऑल बाय बाय